हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन कुमार सिंह एंड वेलकम टू जनरल डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी एक निरंतरता के साथ चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विजयनगर एम्पायर पर डिस्कस कर रहे हैं और इसका ऑलरेडी पार्ट वन अपलोडेड हो चुका है और इसका जो पार्ट टू है अभी मैं आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डेड कर रहा हूं। तो यहां पर कल का जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने विजयनगर एम्पायर था उसका जो सराउंडिंग में क्या चल रहे थे, इसके अगल बगल कितने डायनेस्टी थे और उस समय का जो सिचुएशन क्या था उसको मैंने बताने का प्रयास किया था। आज मैं प्रयास करूंगा कि जो विजयनगर अंपायर है उसकी क्या एक्टिविटी थी, कैसे अंपायर डेवलप हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे और यह लास्ट में ऐसी क्या घटना परिघटना थी जिसके वजह से यह जो अंपायर था वह कोलैप्स कर गया, इसके आखिर इसके पीछे क्या कारण था, इस पर जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें जितने भी डायनेस्टी थे, चार डायनेस्टी हैं और उस चारों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और जितने भी अच्छे किंगडम है उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। तो देखिये, ये अगर देखा जाए मेडिवल हिस्ट्री की, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ले लीजिए, विजयनगर एम्पायर ले लीजिए, आप बहमनी एम्पायर ले लीजिए, नीचे चोल चेर चालुक्य और राष्ट्रकूट या बंगाल में पल्लव, ये सारे को अगर आप कंक्लूजन के तौर पर अगर आप देखते हैं, इसको समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी एक जो मेडिवल हिस्ट्री है आपका कवर अप हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू दे दूं, अगर कुछ ओवरव्यू कल का अगर रह गया हो उसमें, ताकि आप इसका एक स्टोरी के टर्म में अपने माइंडसेट में इसको विकसित कर पाए। होता क्या है कि जब तक हम उसका जो बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हैं, उसको कितना बार भी हम पढ़ते हैं तो वो चीजें हम लोगों को याद नहीं रह पाती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान है, तो अगर जब मिडिवल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल 750 के बाद से कैलकुलेट किया जाता है और लगभग मान के चलिए 1850 के आसपास इसको मान लेते हैं, या कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि जो औरंगजेब डेथ किया 1707 एडी के आसपास, तो वहां तक माना जाता है। और आज जितना भी अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग अपना एक टर्म्स है और जो भी हो आप इससे आप लोग वाकिफ होंगे। तो अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री की बात करूं तो जब गुप्ताज के बाद जब पोस्ट गुप्ताज हर्षवर्धन जब इनका जो शासन खत्म हुआ, उसके बाद जो पोस्ट जो थे हर्षवर्धन के शासक वो उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो पूरे को सेंटर में ला सके। होता क्या है कि जब तक एक सेंटर जोन नहीं होता है तब तक ये सिस्टम चल नहीं पाती है। जब आप तक उसको सेंटर में लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी जो साम्राज्य है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है। और छोटे छोटे शासक जो उस समय का फेडरलिज्म सिस्टम था, सामंतवादी थे, वहीं छोटे छोटे जो अपने अलग अलग अपना राज बना लिया करते थे और धीरे धीरे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डेवलप होने पर रंग हो गया। तो उसी में अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपको ये वाला जो है इसको आप लोग चेर के नाम से जानते होंगे, यहाँ पर आपका चोर होते होंगे, फिर यहाँ पर आपका पल्लव आते थे और फिर यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट में राष्ट्रकूट आते थे, फिर यहाँ पर आप ऊपर वाले पार्ट में आइएगा राजस्थान वाले पार्ट में, तो इसको प्रतिहार बोलते थे। और यहाँ पर जो बंगाल वाला पार्ट था, बंगाल वाले पार्ट में जिसको हम पल्लव बोलते थे, तो कुछ ना कुछ ये अलग अलग टुकड़े में बट गया था, जिसको पर्टिकुलरली एक ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा शासक आए जिसको प्रॉपर एक टर्म में और पूरे शासन को एक सेंट्रलाइज करते। तो उस समय हुआ क्या था कि जैसे यहाँ पर फिर यहाँ से राजपूत का यहाँ से डेवलप होना शुरू हो गया, फिर यहाँ पर अगल बगल ये सारे सिस्टम अपना अपना इन्होंने बनाना शुरू किया, इनके सिस्टम जो साउथ इंडिया के जो चेर चालुक्य जो थे, इन लोगों का अपना बहुत ही बेहतर उस समय का किंगडम था और इन्होंने बहुत बेहतर भी किया। इसी समय लगभग मान के चलिए उसके बाद आप 1000 एडी के आसपास आप देखिएगा, मैंने जैसे बताया था गजनी मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोगों को बताया, फिर उसके बाद सबसे पहले गजनी आता है, फिर उसके बाद गौरी आता है, उसके बाद तहरीन की बात होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तहरीन, सेकंड बैटल ऑफ तहरीन 1191 एंड 1192 में, और उसमें फाइनली मोहम्मद गौरी का उसमें जीतता है। उसके बाद मान के चलिए कि 1193 में फिर एक बैटल होता है जयचंद्र के साथ, जो पृथ्वीराज
चौहान के जो फादर इन लॉ थे उनके साथ होता है और वहां पर फाइनली इनकी जीत भी होती है मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी क्या करता है उसके बाद बहुत सारा धन लूटता है और लूटने के बाद से इसी का एक पर्टिकुलरली समाप्त कर लीजिए जो भी कर लीजिए एक था जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक और यहाँ पर सलेब डायनेस्टी यहाँ पर डेवलप करता है। फिर सलेब होते हैं, फिर उसके बाद खलजी आते हैं, खलजी के बाद फिर से आपका तुगलक आते हैं, तुगलक के बाद से फिर मतलब ये सिलसिला जो है एक निरंतरता के साथ चलता जाता है और फाइनली तुगलक फिर मैं अगर कहूं तो फिर सैयद आते हैं, सैयद के बाद लोदी आते हैं, लोदी के बाद से फिर से आपका जो भी मुगल साम्राज्य यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है। तो कुछ ना कुछ था। अब जब मुगल यहाँ पर आते हैं, जब बाबर आते हैं, फिर बाबर के बाद उनके बेटे जो हुमायूं हैं, हुमायूं यहाँ पर शासन करते हैं और हुमायूं के बाद से अकबर और अकबर के बाद से जहांगीर, ये सिलसिला जैसे चलते रहता है। तो इसी समय में जैसे अगर मानिएगा जैसे तुगलक का टाइम, जैसे तुगलक का टाइम जो एरा जो लिया जाता है तो 1320 से लेकर के 1430 AD के आसपास माना जाता है। तो तुगलक में और इसी समय जो था तुगलक के समय में ही एक विजयनगर अंपायर जो डेवलप होना शुरू हुआ था इन्हीं के समय में, एक इन्हीं के शासक थे तुगलक में, तुगलक जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, एक अच्छे ग्रेट किंग थे और बहुत सारे वेल एजुकेटेड थे, वेल डिसीजन मेकर थे, मतलब अगर इन द सेंस अगर मैं कहूं तो एक अच्छे इन्वेडर थे। और जब लेकिन इनके एक विवाद वाइस और फुल किंग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जितने भी फैसले लिए वो फैसले पूरे सक्सेस नहीं हो पाए। और इसी में इनका एक भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का जो कर्नाटक के एक, जिसे मैंने आप लोगों को बताया कि छोटे छोटे सामंत जो हुआ करते थे अपना अपना छोटा छोटा किंगडम बना लिया करते थे, एक किंगडम के पास आकर के वह छुप गया और यहां से प्लान करने लगा कि इनके प्रति वह इनवेड करेगा। तो ये बात इनको पता चला मोहम्मद बिन तुगलक को, और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि यहाँ पर आक्रमण किया और अपने भाई को लिया यहाँ पर जो उनका भाई था। और यहीं पर एक थे हरियर और बुक्का, उस समय फाइनली ये सामंत के तौर पर जो वहां पर जो डायनेस्टी थी छोटी सी, तो उसमें ये क्या करते थे, इनका काम था कि वो सामंतवादी करते थे और इनको पकड़ करके ले गया तुगलक दिल्ली, और दिल्ली ले जाने के बाद से इनका धर्म परिवर्तन किया, बेसिकली हिंदुज्म थे। और उसके बाद से इनको क्या किया कि ये पूरा जो जोन है यहाँ पे जो दिल्ली को दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था तो उसको यहाँ पर भेज दिया कि आप वहां पर जाइए और वहां पर जाने के बाद आप अपने जो भी टैक्स कलेक्शन कीजिए और टैक्स कलेक्शन करने के बाद मतलब वह दिल्ली को ट्रांसफर कीजिए। तो इसी समय में हुआ क्या कि जो हरियर और बुक्का जो थे, मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि मतलब हरियर और बुक्का वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया यहाँ पे कि इनको ले आकर के जब वो फ्री किया तो यहाँ आने के बाद तब तक हुआ क्या वहां पर जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो सिचुएशन उस समय जो डेवलप हो रही थी क्योंकि वो जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो तो सफल हो नहीं रहा है और उसमें समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती है, जिससे ये हुआ कि इन लोगों को हरियर और बुक्का को ये लगा कि अब तो हम लोगों को मतलब अपना एक डायनेस्टी स्टार्ट करना चाहिए। और उन्होंने अपना प्लान किया और सबसे पहले उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और इनके एक गुरु थे क्या बोलते हैं जैसे होता नहीं है कि जैसे आप जब धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसके बाद से बहुत सारी समस्याएं डेवलप होना शुरू हो जाती है क्योंकि उस समय भक्ति आंदोलन ऑलरेडी चल रहा था। जब भक्ति आंदोलन जब ऑलरेडी वहां पर चल रहा था तो एक समस्या ये हो गई कि आप हिंदू से तो मुस्लिम में जा सकते हैं लेकिन मुस्लिम से आप हिंदू में नहीं जा सकते, बहुत सारी समस्याएं थी। और इन लोगों ने बहुत सारे जितने भी अपने वहां के जो भी गुरु थे इन्होंने मिला लेकिन सारे लोगों ने मना कर दिया, इनके पास एक समस्या डेवलप हो गई और ये मुस्लिम डायनेस्टी नहीं डेवलप करना चाहते थे। फाइनली एक गुरु ही थे जिनका नाम था विदानेर, तो विदानेर से इन्होंने मिले और उसके बाद मिलने के बाद उन्होंने हाँ में हाँ भरी इनकी और इन्होंने इनका धर्म परिवर्तन किया और फाइनली 1336 AD में एक ग्रेट डायनेस्टी
यहाँ पर डेवलप होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संगम डायनेस्टी। अब संगम डायनेस्टी का मतलब यह है कि जो हरिहर और जो बुक्का थे उनके फादर का नाम था संगम, और उसके दृष्टिकोण से इसका नाम रख दिया गया संगम डायनेस्टी। तो देखिए, अगर मैं कहूं विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो विजयनगर एम्पायर में टोटल चार किंगडम यहाँ पर डेवलप हुए, चार एम्पायर यहाँ पर डेवलप हुए। देखिए, जैसे मैंने चार यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। पहला तो जैसे आप लोग सभी को पता है कि एक संगम डायनेस्टी जिसको हरिहर और बुक्का लेकर के आए, उसके बाद सालुक डायनेस्टी दूसरा, तीसरा जो होता है तुलु डायनेस्टी, और तीसरा होता है अरविदो डायनेस्टी। चार डायनेस्टी यहाँ पर डेवलप हुए फाइनली। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर जो 1565 का जो टाइम था, इसी समय विजयनगर साम्राज्य जो है आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका था। ये वाला तो बस कहने का चल रहा था यहाँ पे, मतलब जो आपका एक प्रिंसिपल होता है किसी भी एम्पायर का कि हमें क्या करना है, उस अगर उस प्रिंसिपल को आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, आप किसी के अंडर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी जो भी मानसिकता है, जो भी आपने प्रिंसिपल बनाया है, जो भी आपने रूल बनाया है, जो भी आपका जो एक दृष्टिकोण बना रहता है, अगर उसके हिसाब से अगर नहीं चलता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो ये वाला एरिया बस कहने का था कि हाँ ये चल रहा है, लेकिन रियल में वैसा था नहीं। बहरहाल आगे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर डायनेस्टी 1336 AD में यह डेवलप हुआ, और वहां पर विदा रूपेन नाम के जो वहां पे एक मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो वहां के गुरु थे, उन गुरु ने सबसे पहले क्या किया कि इनका धर्म चेंज कराया, और धर्म चेंज कराने के बाद से इनको एक अथॉरिटी दे दी कि हाँ आप हिंदू डायनेस्टी को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये चलती है आपका कृष्णा रिवर, तो कृष्णा रिवर के नीचे वाला पार्ट जो था यहाँ विजयनगर हुआ, और कृष्णा नदी यहाँ पर अगर मैं बताऊं, एक कृष्णा नदी हुआ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कृष्णा नदी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ ये वाला जोन एक था यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम तलचर, ये हमेशा विवाद में रहता था। ये वाला जो जोन था हमेशा विवाद में रहता था बहमनी को लेकर के और इनको लेकर के यहाँ पर। तो अब जैसे यहाँ पर मैं अगर बताऊं आपको, तो ये हुआ कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर के ऊपर था बहमनी एम्पायर यहाँ पे, और यहाँ पर ऊपर जितने थे दिल्ली सल्तनत थे। तो ये और नीचे जो चोल चेर अपना छोटी छोटी टुकड़े में बट गए थे, इनकी वास्तविक शक्ति उस समय नहीं थी, खत्म होने के टर्म में थे। तो इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होना प्रारंभ हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक रायचूर जगह है यहाँ पे। तो रायचूर, और जैसे होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मानते हैं कि यहाँ पर रिवर है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और यहां से एक रिवर निकलती है, इसे दो रिवर निकलती है, और ये वाला पार्ट जो है अगर लैंड का होता है तो वो लैंड जो होता है बहुत ही उजाम होता है, और उजाम की वजह से यहाँ पर फसल बहुत अच्छे होते हैं। और फाइनली किसी भी आज के दृष्टिकोण से, आज मॉडर्न लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं उसको लीजिए, चाहे आप मेडिवल हिस्ट्री में चले जाइए, चाहे एंशियंट हिस्ट्री में चले जाइए, सबका फाइनली एक उद्देश्य रहा है, और वो रहा है इकोनॉमी, और इकोनॉमी का सबसे ज्यादा स्रोत जो रहा है वो रहा है एग्रीकल्चर। तो दोनों फोकस किया करते थे यहाँ पे। अब 1336 में जब हरिहर ने यहाँ पर एम्पायर बनाया गया, वह राजा के तौर पर यहाँ पर अपना गद्दी पर बैठा और शासन करना प्रारंभ किया। तो कल मैंने हैसुल का नाम आपको बताया था, मैं कल इसलिए बताया था कि ताकि आप उसको जोड़ पाए। आज मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पर बात करूं तो आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हैसुल और यहाँ पर मद्रास, क्या बोलते हैं, मदुरा मद्रास में है। तो मद्रास इन द सेंस की तमिलनाडु। तो मदुरा में ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट में हुआ कि मदुरा विजय हुआ और हैसुल जो था वो डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हो गई। जब हैसुल डायनेस्टी खत्म हो गई तो यहाँ पर विजय जो यहाँ पर संगम डायनेस्टी के जो हरिहर प्रथम थे, इन्होंने अपना बाजी मारा और यहाँ पर क्या किया, अपना जगह को और नीचे तक बढ़ा दिए। ठीक,
यहाँ पर पहले इनकी सिचुएशन डेवलप हो गई और इसको धीरे धीरे और चार साल तक ऐसा कहा जाता है कि चार साल तक ये नीचे चेयर और चूल के साथ इनकी छोटी 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 लड़ाइयां चलती रही है, तब तक चलती रही जब तक इनका पूरा दमन न कर दिया जाए। और फाइनली ये हुआ कि ये पूरे पार्ट पर यहाँ से ये पूरा इन्होंने इनोवेट कर लिया और यहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट बना लिया यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन घोरसन रायचूर, क्या मैटर था इसका। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे जैसे कल मैंने बताया था, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मानते हैं कि एक कृष्णा रिवर बह रही है यहाँ पे और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य है और यहाँ पर क्या है आपका बहमनी एम्पायर है। तो बहमनी एम्पायर क्योंकि 1336 में तो आपका ये हुआ विजयनगर और यहाँ पर 1346 में मतलब मान के चलिए 10 ईयर बाद ये बहमनी एम्पायर डेवलप हुआ। तो एक यहाँ पर थे अलाउद्दीन हसन बहमन और एक गंग नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्हीं के यहाँ ये रहते थे और बाद में अपनी शक्ति का जब इनको रियलाइज हुआ कि मतलब ये इनके पास अपना पावर है और उस पावर के हिसाब से इन्होंने क्या किया कि एक बहमनी डायनेस्टी का यहाँ पर डेवलपमेंट किया यहाँ पे। तो बहमनी डायनेस्टी जब यहाँ पर जब डेवलप हुआ तो अब देखिए ये हुआ आपका कृष्णा रिवर और यहाँ से ये वाला पार्ट है आपका जैसे मैं रायचूर का। तो अब ये वाला यहाँ से एक रिवर ऐसे जा रही है, एक रिवर यहाँ से जा रही है, तो ये वाला है आपका एक लैंड वाला पार्ट जिसको बोलते थे हम लोग वहां पर रायचूर। तो अब इस रायचूर को लेकर के दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होना प्रारंभ हो गया। इसको आप लोग मेडिवल हिस्ट्री के किसी भी बुक में उठाइएगा, ये वाला ड्रॉइंग मिल जाएगा आपको क्लियर। अगर नहीं दिखता होगा मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ये चीजें वहां पर क्लियर हो जाएगी। या मतलब किसी भी बुक में, किसी भी आप हरिश्चंद्र वर्मा का भी बुक देख सकते हैं, सतीश चंद्रा का भी बुक देख सकते हैं, दोनों बुक में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना प्रारंभ हो गया और कॉन्फ्लिक्ट में हुआ कि बहुत सारे ऐसे समय हुए जब कभी रायचूर को बहमनी साम्राज्य कभी उसको जीत लेता था, कभी जो यहाँ पर क्या बोलते हैं संगम डायनेस्टी के जो भी इम्पायर थे ये जीत लिया करते थे। तो ये सिलसिला जो था वो एक निरंतरता के साथ चल रहा था और कॉन्फ्लिक्ट चला भी। फिर उसी जब तब तक हरिहर, फिर बुक्का और बुक्का के बाद फिर हरिहर प्रथम यहाँ पर बने यहाँ पर और धीरे धीरे इनकी साम्राज्य जो आगे बढ़ती गया। लेकिन इसी समय में छोटे छोटे साम्राज्यों में एक इम्पोर्टेंट जैसे देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड की बात करेंगे। देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड कौन थे, देखिए देवराय फर्स्ट और देखिए हरियर हरियर सेकंड के बारे में एक बात बता दूं। जब हरियर सेकंड ने जो मदुरा पर उन्होंने इन्वेड किया और इन्वेड करने के बाद जब पूरा मतलब चोल चेर वाला पूरा जब इन्होंने जीत लिया, तो जीतने के बाद से जब आए थे इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था गंगा देवी और गंगा देवी ने एक मदुरा देवी करके एक बुक लिखा था जो एग्जाम वगैरह में कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको देख लीजिएगा। पर मैं बात करूंगा यहाँ पर देवराय फर्स्ट की। अब देवराय फर्स्ट की जो टाइमलाइन है वो लगभग 1404 से लेकर के 1222 AD तक है, मतलब मान के चलिए 1404 से लेकर के 1422 AD के आसपास। ये भी अपने समय के एक बहुत ही अच्छे शासक थे और शासक बनने के बाद ये रायचूर वाला पार्ट है, रायचूर वाला पार्ट पर इनसे कहा जाता है कि इन्होंने एक नहर का निर्माण किया और नदी को नहर से मिलाने का प्रयास किया ताकि एक एग्रीकल्चर अपने समय पर बहुत बढ़िया से डेवलप हो जाए। और इनके समय में अगर ये भी कहा जाता है कि एग्रीकल्चर पर और अपने इकोनॉमी पे और जो भी रिलीजन एंड टर्म्स था उस पर इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। उसके बाद इनके बाद से छोटे छोटे किंगडम आए जैसे वीर विजय हो गए, रामचंद्र हो गए, छोटे छोटे किंगडम आए जिनके एक साल दो साल ढाई साल कुछ ऐसे बस टर्म चलाने के लिए था। और उसके बाद एक ग्रेट किंग यहाँ के आते हैं देवराय सेकंड जो इस संगम डायनेस्टी के
बहुत ही ग्रेट किंगडम थे, सबसे अगर टॉप माना जाए तो टॉप में इन्हीं को दिया जाता है। देवराय में ये था कि एक बहुत ही न्यायप्रिय थे, और जितना भी जो देवराय फर्स्ट काम करके गए थे इन्होंने इसको आगे बढ़ाना शुरू किया, और इन्हीं के समय में अब्दुल रजाक जो फारस यात्री था यहाँ पर आया हुआ था, और उसने कहा कि विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जहां पर लगभग 300 फोर्ट्स है, और 300 फोर्ट्स का एक फोर्ट का जो साइज है लगभग वो कालीकट के बराबर है। वही कालीकट जहां पर आप लोगों को याद होगा 1498 में वास्को डी गामा आया था कालीकट, उसी कालीकट की मैं बात कर रहा हूँ, केरल में है, जहां पर उस समय उसका जो एक शासक था जिसको हम लोग जमोरिन कहते हैं। तो यहां पर इन्होंने इतनी तारीफ की, और ये भी अब्दुल रजाक ये भी कहता है देवराय सेकंड के बारे में कि जब वह इनके जो महल बने होते थे उस महल में जब भी जाता तो उस महल में एक गुंबद नुमा या नाद नुमा बना होता था, एक बड़ा गड्ढा टाइप का, और उस गड्ढे में एक सोने चांदी और ज्वारात जितने भी इन द सेंस मैं कहूं तो जो मूल्यवान मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स इसमें रखे हुए थे। तो यह अब्दुल रजाक का ये मानना था कि उस समय के लिए या जितनी भी जनता थी उस किंगडम में बहुत ही खुशहाल जीवन था, और किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलती थी, बेहतर न्याय, बेहतर लोगों को जीवन शैली, कृषि, सारे चीजें अपने एक संतुलित ढंग से चल रहा था। उसके बाद जब मुद्दा ये हुआ कि जब जो देवराय सेकंड जब 1446 में जब इनकी जब डेथ हुई तो इनका लड़का था जिसको बोलते थे हम मल्लिका अर्जुन, अब मल्लिका अर्जुन जब यहाँ पर जब एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे जब यह गद्दी पर जब बैठा तो वह जिस टाइप से जो पहले के जो इम्पायर आ रहे थे उस टाइप से यह था नहीं, वह ज्यादा निष्क्रिय था, और यह चाह करके भी, एक होता है कि हमारे अंदर काबिलियत है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह चाह करके भी जो कोशिश कर रहा था कि मैं अपने जो डायनेस्टी को और बढ़ाने का प्रयास करूं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। और फाइनली कल आपको अगर याद हो मैं बंगाल के बारे में बता रहा था, यहाँ पर बंगाल के बारे में मैंने बताया था इलियास के बारे में, इलियास शाह के बारे में जो बंगाल में अपना एक डायनेस्टी चलाए, और इलियास शाह ने लगभग 1338 ईस्वी में और मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में यहाँ पर एक आपने सुना होगा गंग डायनेस्टी, मैंने कल डिस्कस किया था, और गंग डायनेस्टी पर इन्होंने आक्रमण किया और बहुत सारे लूट किए, और उसके बाद जो गंग डायनेस्टी था उसी गंग डायनेस्टी की बात मैं कर रहा हूँ जो उसने जो कोणार्क का जो मंदिर है उन्होंने बनाया हुआ था, उसके बाद वो डायनेस्टी खत्म ही हो गई, और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा डायनेस्टी यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया, और उसको हम लोग बोलते थे गजपति। मैं बोलूं तो गजपति जो आज का उड़ीसा है उसी पर है, तो गजपति डेवलप हुए। तो अगर आप कल वाले वीडियो को अगर आपने देखा होगा और आपको एक समझ याद होगी तो आप इस कहानी को आराम से रिलेट कर पाएंगे। तो जब गजपति का क्या कारण था कि जब आप यहाँ पर आइएगा, जब ये वाला पूर्वी जो छोर है यहाँ पर, तो यहाँ पर बंगाल हो गया आपका, फिर यहाँ पर आप आइएगा उस समय तो उड़ीसा हो गया, तो यहाँ पर गजपति हो गए, और ये वाले एरिया पर कौन हो गए, यहाँ पे ये वाले एरिया पर अगर मैं कहूँ तो बहमनी आपका एम्पायर हो गया, और फिर यहाँ पर इधर आपका मुगल बने हुए हैं, और यहाँ पर विजयनगर है। तो या तो आप ऊपर, तो यहाँ विजयनगर को समस्या था कि ऊपर जा नहीं सकते हैं, इसमें समस्या हो रहा है आपको, बहमनी वाले रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर ऊपर ऑलरेडी मुगल बने हुए हैं तो इनका ये प्लान था कि चलो नीचे वाला साउथ इंडिया को हम क्या करते हैं कि मतलब इनोवेट करके उसको मिलाते जाते हैं, और फाइनली कहीं ना कहीं सक्सेस भी रहे। तो इनका भी जैसे गजपति का भी यही सिचुएशन था, गजपति और इधर नहीं जा सकते थे बिहार वाले जोन में, अगर यूपी वाले जोन से होकर के उधर इन्वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि मुगल का कंडीशन चरम सीमा पर था। उसके बाद अगर मैं कहूं सॉरी
मुगल, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मुगल थे तो इनका भी एक ही टर्म्स था कि साउथ इंडिया की तरफ मैं भी निकलूं यहां से गजपति। तो ये हमेशा तलाश में रहते थे कि विजयनगर एम्पायर का वो कोई शासक ऐसा दिखे जो थोड़ा सा वीक पड़े और उस पर हम इन्वेट किया जाए। तो जैसे इनको इस गजपति को समझ में आया कि यहाँ पर मल्लिका अर्जुन एक चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता है, तो वहां पर क्या करते थे, इन्होंने इन्वेट किया। और इन्वेट करने के बाद से मतलब बहुत सारा जो ये विजयनगर एम्पायर का जो ये नॉर्थ वाला जो जोन था, इधर वाला, इन्होंने इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसको अपना अधिपत कर सकते हैं, इन्होंने जमाना शुरू किया। और एक मैंने बहुत सारे इस पर मैंने सर्च करने का प्रयास किया, इसे बहुत सारे बुक में कहा जाता है कि जो मल्लिका अर्जुन था उसको ये चीजें मतलब अच्छी नहीं लगी, वो चाह करके एक अंदर से गिल्टी फील होता है, और गिल्टी फील में जो होता है कि वो सुसाइड किया या इसका कोई एग्जैक्ट इसका कोई एविडेंस नहीं मिल पाता है कि उसे कैसे मृत्यु हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह जो भी वह चाह रहा था वैसी स्थिति उसके साथ डेवलप नहीं हो पा रही थी, जिससे वजह से उसकी डेथ हो गई यहाँ पे। अब मुद्दा ये है कि जब यहाँ पर अगर मल्लिका अर्जुन जब यहाँ पर जब एक्सपायर करते हैं तो इसके बाद से मतलब सिस्टम कैसे चले, तो मैं पहले ही बताया जो इन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था विजयनगर एम्पायर का बहुत ही वाकिफ तारीफ के लायक था। तो वो पूरे सिस्टम बना के रखे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे आज के समय में होता है, जो भी अगर आपको इन्वेट करना है तो उसके लिए सैनिक का एक प्रावधान अलग होता था, एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट अलग था, आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट अलग होता था, किसी भी प्रकार का मतलब जैसे मंदिर का निर्माण कराना है, अगर किसी धर्म से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं उसको उसी को देखना है, और फाइनली जो रिपोर्ट जो फाइनली जो बन के आता था उसको जो फाइनल एक डिसीजन देना होता था वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एम्पायर का होता था। तो उसी में एक थे यहां पर, मैं यहां पर आपको बताऊं मल्लिका अर्जुन के, बीरप्पकेश यहाँ पकड़ के छोटे से लास्ट किंगडम यहाँ पर हुए, इनके लड़के थे यहाँ पे और इनकी एज काफी कम थी, और इनको क्या किया गया कि यहाँ पर पार्टिकुलरली कुछ टाइम के लिए बैठाया गया, लेकिन इनके एक थे सुरवा नरसिंह। अब सुरवा नरसिंह जो थे वहां के वो जो सैनिक डिपार्टमेंट में हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव भी इनके हाथ में हुआ करता था सालू नरसिंह का। तो नरसिंह ने क्या किया कि जब जब देखे कि इनका जो किंगडम है यहाँ पर पीछे जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि गजपति के टर्म में इन्वेट करना शुरू किया, और गजपति के साथ इन्होंने पूरा अपना जोर लगा करके पूरा अटैक किया और उनके वापस भगाया यहां से। और ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग लगभग 24 आवर्स कंटिन्यू वार में रहे, और बहुत सारा वार इन गजपति और यहाँ पर सालू और नरसिंह के बीच में हुआ यहाँ पे। अब होता क्या है कि सालू नरसिंह में एक नरसा नायक था। नरसा नायक अगर कहूं तो अभी के समय में जो हेड ऑफ द जनरल होते हैं, जो मेन जो सेना होते हैं और सेना का जो जो सबसे प्रमुख होता है उसको वहां पर एक उनकी उपाधि दी जाती थी, और उसी में उसका नाम था नरसा नायक बंदा का। तो नरसा नायक को जब ये लग गया कि हमारा एम्पायर ही मतलब गड़बड़ है, तो उन्होंने क्या किया कि इनको यहाँ पर गद्दी से हटा करके यहाँ पर सालू नरसिंह को आमंत्रित किया कि आप आइए और यहाँ पर एक नया डायनेस्टी अपने नाम से एस्टेब्लिश कीजिए और सिस्टम को आगे बढ़ाइए। और फाइनली यही हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ कि आपका इस डायनेस्टी का, संगम डायनेस्टी का यहाँ पर अंत हो गया और यहाँ पर स्टार्ट हुई सालू डायनेस्टी। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला सेक्शन आपको समझ में आया होगा। तो पहला जो भी एक चीज यहाँ पर छूट रही थी, जैसे इनकी राजधानी को लेकर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो एनर्ड करके एक जगह है मतलब कृष्णा नदी के यहाँ पर जहां से यहाँ पर विजयनगर स्टार्ट होता है, तो एनायड नाम का एक जगह है यहाँ पर इन्होंने अपना सबसे पहले बनाया था हरिहर और बुका के समय में ही। उसके बाद जब इनको लगा कि जिसे रिवर के लिए एक जगह हो, रिवर जब भी जहां भी होता है तो वहां पर उसको सुरक्षित नहीं मानते हैं, क्योंकि उस साइड से कभी भी अज्ञात पता नहीं चलता है आपको कि मतलब
नदी के रास्ते कौन आपके पास आ जाए। तो इन्होंने इसको सुरक्षित असुरक्षित मानते हुए इन्होंने क्या किया कि कर्नाटक वाले जोन में विजयनगर के नाम से इन्होंने अपनी एक क्या बोलते हैं राजधानी बनाई, और उस राजधानी को आज के टर्म में विजयनगर भी कहा जाता है और हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो न्यू किंगडम जो डेवलप हुआ सालुवा डायनेस्टी, यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पर सालुवा डायनेस्टी को जब यहाँ पर जब एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे, तो सालुवा डायनेस्टी अपने समय में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो भी जब भी एक छोटा एम्पायर किंगडम में होता है, जब वो शासन करता है, तो छोटे छोटे में पहले ही बताया कि जितने भी सामंतवाद होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मतलब वो उभरना शुरू हो जाते हैं और विद्रोह होना प्रारंभ हो जाता है शासन में लोग एक जब तक, क्योंकि कोई भी सिस्टम छोटा हो या बड़ा और उस सिस्टम में अगर उसको पार्टिकुलरली लेकर चलने वाला अगर कोई नहीं होता है तो क्या होता है कि कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने सालू नरसिंह ने क्या किया कि उन लोगों को सबसे पहले दमन किया, और दमन करने के बाद अपना सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट किया। तभी ये हुआ क्या कि एक पुरुषोत्तम गजपति अटैक किया वही, मतलब ये वाले उल्टा वाले गजपति, और गजपति यहां पर अटैक किया और इसको इन्होंने जीत लिया, समझ लीजिए उस जहां पर गजपति की जीत हुई और सुलभ नरसिंह की यहां पर हार हो गई। और सुलभ जब नरसिंह की जब यहां पर हार हुई यहां पे, तो फाइनली मतलब इन्होंने अपना हार स्वीकार किया, बहुत रिक्वेस्ट किया और उन्होंने इनको माफ कर दिया, और माफ करने के बाद से वापस लौट गए और इनकी डायनेस्टी यहां पर बच गई। एक लंबा समय नहीं चला इस सालों डायनेस्टी की, और उसके बाद एक थे क्या बोलते हैं इमारी नरसिंह और नरसा नायक। तो इमारी इनका एक लड़के थे, जब इनकी मृत्यु हो गई लगभग मान के चलिए 1490 के आसपास, तो इमारी नरसिंह शासक पर बैठे और सालू डायनेस्टी चलती थी, और नरसा नायक मैं यहाँ पर जो बताया जिसको वही नरसा नायक जो क्या बोलते हैं सालू नरसिंह को इनवेट करके बोला था कि आप गद्दी को संभालिए, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब नरसा नायक का प्लान था कि मतलब मैं इनोवेट करूं, मेरा प्लान है कि मैं इनोवेट करूं, ये छोटा सा बच्चा क्या यहां पर करेगा, क्योंकि उसकी एज कम थी। और फाइनली जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है इमारी नरसिंह, तो इसको ने क्या किया, इसको बंदी बना के इसको घर में डाल दिया, इसको बंदी बनाकर घर में डाल दिया। और जब घर में डाल दिया और अपना इनोवेट करना शुरू कर दिया, और वहां पर बीजापुर बीदर अहमदनगर के कुछ पार्ट इसने इनोवेट करके जीता, और यहाँ पर जो भी पार्ट जो सालुक नरसिंह के समय में जो गजपति ने जो अपना अधिपत्य एस्टेब्लिश कर लिया था, इसको उन्होंने क्या किया नरसा नायक ने उसको यहाँ पे फिर से अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, और उसमें सफलता भी उसको मिली। तभी एक घटना घटी वहां पे, इस नरसा नायक का एक लड़का था जिसको बोलते थे वीर नरसिंह, नरसा नायक वीर नरसिंह, और वीर नरसिंह ने क्या किया कि चुपके से इस इमारी नरसिंह का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद समझिए इस चीज को, और इस वीर नरसिंह हो गया यहां पे। और वीर नरसिंह कौन है आपका नरसा नायक का, और इनके भाई है कृष्णदेव राय, समझ रहे हैं। अब जो भी सिस्टम हुआ करता था अगर उस हिसाब से, फिर तारू डायनेस्टी आती है यहां पे। अब मानिए जब इसको मारा वीर नरसिंह ने कि ताकि कि अगर इसको अगर हम मार देंगे तो फाइनली इंपेरर हम हो जाएंगे, राजा हम हो जाएंगे। और उस समय जो इन कृष्णदेव राय जो थे वो बहमनी के बहुत अलग अलग पार्ट में जो किंगडम बने हुए थे, जैसे बीदर गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर, उससे पार्टिकुलरली कुछ ना कुछ मुद्दे पर हमेशा वार हुआ करता था छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो वह कभी अपने इन्वेशन में निकले हुए थे क्या नाम है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जब यहाँ पर आए तो अब सिलेक्शन होता था कि मतलब आपको कैसे इम्पेरर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो नरसा नायक थे इनकी अंतिम समय चल रही थी, मतलब इन द सेंस मैं अगर कहूं तो उनकी जो लास्ट समय चल रहा था वो जब मरने वाले कागार पर थे।
और उस समय ये बोला गया कि और नरसिंह नायक का भी था कि मैं जो अपना जो अगला जो इम्पेरर बनाऊं उस इम्पेरर जो हो वो कृष्णदेव राय बने, लेकिन ये जो वीर नरसिंह है वो ऐसा नहीं चाहता था। और पहले बोला कि जब अपने इन्वेजन से जब कृष्णदेव राय जब वापस आएंगे तो कृष्णदेव राय के वापस आने के बाद आपको अपने जो भी उस समय के इम्पेरर थे नरसिंह नायक से इनको नहीं मिलने देना है, ऐसे मतलब सिचुएशन बना दिया गया। और उस समय जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की एक टीम हुआ करती थी, और उस समय जो इनके जो ब्राह्मण के जो सबसे हेड थे जिसको हम लोग पर्टिकुलरली बुक वगैरह में पढ़ते हैं अप्पा जी के नाम से, तो अप्पा जी के पास आए और अप्पा जी के पास ये बोले कि कृष्णदेव राय की क्या सिचुएशन, क्या क्या चल रहा है, जो भी अपना जो अपने जिस ऑपरेशन में गए थे उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद आए। तो वहां पर नरसिंह आता है और नरसिंह ने कहा है कि मतलब फादर ने उनके नरसा ने एक नए इम्पेरर के तौर पर नरसिंह को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का बोल दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कृष्णदेव राय को भी ये समझ में आया कि ये जो वीर नरसिंह है इतना तो डेवलप है नहीं, फिर यहाँ पर जो इम्पेरर है क्यों बोलेंगे कि हाँ जी तुम यहाँ के इम्पेरर बन जाओ। बहरहाल जो भी हो, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती से कृष्णदेव राय ने अप्पा जी के साथ मिल करके इस वीर नरसिंह को क्या किया कि उसको कैद करा दिया और यहाँ पर एक गद्दी पर बैठ गए एक ग्रेट किंग कृष्णदेव राय। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या सिचुएशन चल रहा था। थोड़ा सा मैं यहाँ जोड़ने का प्रयास करूं कि आखिर गोलकुंडा में क्या चल रहा था, गोलकुंडा सॉरी बहमनी एम्पायर में क्या चल रहा था। तो बहमनी का अगर मैं बात करूं तो जैसे उसमें था, मैंने यहां पर बताया अलाउद्दीन हसन, वहां पर फिर वहां पर एक फिरोज सा यहां पर आया बहमनी में और अपना सिस्टम चलाने लगा, लेकिन एक ऐसा सिस्टम इसका जो लास्ट जो किंग थे उस लास्ट किंग में एक प्रधानमंत्री बन के आया जिसका नाम था महमूद गांव। मैं शॉर्टकट में इसको बता रहा हूँ क्योंकि अगर जैसे विजयनगर का अगर की तरह मैं उसको बताऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो मोहम्मद गावा एक बिजनेस के तौर पर काम करना शुरू करता किया था और जब उसको मैंने उसमें इतना एक्टिविटी थी सैनिक को लेकर के लड़ने की क्षमता था जिसको लेकर के उसको वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था और बहुत ही कम समय में वह पूरा इन्वेजर हो गया और जितने भी अगल बगल के छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उसको मोहम्मद गुआ ने वहां पर जीत लिया और फाइनली 1482 में जो मोहम्मद गुआ इतना जब डेवलप होना शुरू हो गया और बहमनी अंपायर एक नहीं होता है कि कंसोलिडेट अपना पूरा चरम सीमा पर करना प्रारंभ कर दी मोहम्मद गुआ के समय में, तो यहाँ के जो छोटे छोटे शासक थे उनको लगा कि मतलब अब हमारी खैर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय के जो इम्पेरर थे इन्होंने बोला कि मोहम्मद गुआ और गावा दोनों ये लिखा हुआ है उसको देख लीजिएगा अलग अलग बुक में, इसलिए मैं अलग अलग मैंने 2-3 बुके पढ़ा है तो बातें प्रोनाउंसिएट में दोनों नाम आ जा रहा है। तो मोहम्मद गावा के प्रति इम्पेरर को लोगों ने बोला कि मतलब ये आपके ऊपर साजिश करना चाह रहा है और आपको इन्वेड करके या खुद से मतलब इम्पेरर बनना चाहता है। और जय अब इस बात को सुनकर के वहां का जो बहमनी का जो इम्पेरर था वह आग बबूला हुआ और जैसे ही वो जो इन्वेजन से जब वापस आया महमूद गावा उसको फांसी पर लटका दिया गया 1482 में और 1482 के बाद से ये हुआ कि बहमनी अंपायर जो था वह विखंडित करके 5 भागों में टूट गया जिसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कल कर चुके हैं। तो अब जब ये 5 भाग में जब टूट गया है और उसके बाद जब कृष्णदेव राय जब यहां पर बैठते हैं मान के चलिए 1509 के आसपास जब ये बैठे, तो अब तो बहमनी है नहीं, अब बहमनी नहीं है तो 5 भाग में ऑलरेडी टूट गया है यहाँ पे, और जब टूट गया है तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो लाजिम है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समस्या। तो कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। कृष्ण एक बहुत ही बड़े योद्धा और एक बहुत ही डिप्लोमेटिक, एक सेकुलर, एक राइटर और क्या बोलते हैं एक धार्मिक,
हर एंगल से वो परिपक्व आदमी थे। उनका एक डेली बेसिस पर जो रूटीन हुआ करता था, सुबह में ऐसा बताया जाता है कि लगभग वो 3 और 4 के बीच में जग जाया करते थे और 3 से 2.5 से 3 घंटा वो हमेशा एक्सरसाइज करते थे और 1 घंटा जो होता था वो घोड़े पर चल करके चारों तरफ वो राउंडिंग किया करते थे। और जो भी उस समय किसी भी प्रकार के अगर किसी मैसेज वगैरह भी आते थे तो वह इतने ज्यादा मतलब अपने अहम में होते थे। अहम इन द सेंस अगर इम्पेयर है तो उस दृष्टिकोण से मैं अहम की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप आपके अंदर मैंने निगेटिव एटीट्यूड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर आप इम्पेयर हैं तो इम्पेयर के जैसा आपके एटीट्यूड भी होने चाहिए। अगर उस टाइप की अगर एटीट्यूड नहीं होती है तो फिर एम्पायर का क्या मतलब बन जाता है। अब एम्पायर है और सबके साथ से नहीं होता है कि पता ही नहीं चल रहा है कि आप उसके साथ मतलब टी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तो फिर आपका एक कैसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा। तो इसी के समय में अगर शायद आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1498 ईस्वी में वास्को द गामा भारत आया और कालीकट आने के बाद कालीकट पर इनकी अपनी सिस्टम डेवलप हो गई थी यहाँ पे कालीकट पे। और यहाँ पर बहुत सारे मरीज अपना पोर्ट पर इन्होंने जमोरी से बात करके यहाँ पर अपना सिस्टम स्टार्टअप कर दिया था। पुर्तगाली लोग थे और पुर्तगाली में आपने नाम भी सुना होगा जो वहां के वायसराय थे अल्बुकर्क, यहाँ पर आकर के अपना जो भी सिस्टम था स्टार्टअप दे दिया था यहाँ पर। तो उसी जगह एक नाम थे जिनका फादर लुई, और उस समय के लिए एक बहुत ही मैसेंजर के टर्म में कहा जाता है फादर लुई को, एक बहुत ही मतलब सेंसेटिव मैन थे। और उनको यह मौका दिया गया कि आप कृष्णदेव राय के दरबार में जाइए और मैंगलोर वाला जो पार्ट है वहां पर आप एक थोड़ा सा फैक्ट्री बनाने का रिक्वेस्ट कीजिए। और वहां पर जब फादर लुई गए और फादर लुई जब वहां पर गए तो जाकर के देखे तो कृष्णदेव राय एक मंडप लगा हुआ था कृष्णदेव राय का, और हमेशा एक थीसिस दिया करते रहते थे। उनका एक राइटर का एक टीम बना होता था कि मतलब जो भी एक प्रिंसिपल जैसे अब चल रहे हैं कि एक राजा को क्या करना चाहिए, एक राजा को धर्म के प्रति क्या करना चाहिए, एक राजा को अपने जनता के प्रति क्या करना चाहिए, एक राजा को अपने फैमिली के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। जब एक राजा एक बड़े डायनेस्टी को इन्वेट करता है तो उस समय उस राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलरली किसी सिचुएशन ऐसा डेवलप होता है जब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता है हारने के सिवा तो उस समय क्या करना चाहिए, इस टाइप से थीसिस दिया करते थे और लोगों को वो लिखवाया करते थे और उसकी एक बुक बना करती थी। और जब वहां पर गया और फादर लुई ने देखा तो उसको बहुत प्रभावित हुआ कृष्णदेव राय से कि अभी के समय में मतलब इतना मैच्योर्ड, मैंने जितना सुना था इंडिया के बारे में कहीं उससे ज्यादा यहाँ के लोग सेंसिटिव है और लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी शिद्दत थी। और उन्होंने मैंगलोर पर अपना एक रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को थोड़ा सा आप जमीन दें कि मैं वहां पर अपनी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करूं और वहां पर एक पोर्ट भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको देंगे लेकिन आपको 2-3 काम करना होगा, क्योंकि कृष्णदेव राय ये चाहते थे कि वहां पर जो जनता जो हो, पहले से तो ऑलरेडी ये चल ही रहा था सिस्टम, लेकिन वो चाह रहे थे कि जो विदेशों में जो एक नहर का सिस्टम होता है, जो उस समय फॉरेन का जो नहर का सिस्टम था जो बहुत ही डेवलप था, तो उन्होंने मांग किया कृष्णदेव राय ने कि एक काम कीजिए हम आपको तो देंगे लेकिन आपको 2 काम करना होगा, आपको वहां से जो भी जो टेक्निकल हेड होते हैं आपको यहाँ पर लाना होगा, और एक वहां के जो एक घोड़ा होते थे हॉर्स वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते थे और वार के लिए बहुत ही उनका नाम हुआ करता था, बहुत ही बेटर थे और अच्छा करते थे, नस्ल जो उनका था बहुत ही बेहतर था। तो उनकी मांग की और वह सत्य में इनको एक जगह देने की बात कही गई यहाँ पे। लेकिन उसी समय ये हुआ क्या कि जब फादर लुई अपने टाइम में खड़ा होकर के वह नहर का उद्घाटन कर रहे थे, नहर बन गया था, तब तक जो बहमनी के जो जैसे बीजापुर गोलकुंडा के कुछ अलग अलग शासकों ने क्या किया कि वहां पर अटैक किया और फादर लुई की वहां पर मार दिया गया। तो फादर लुई और यहाँ पर कृष्णदेव राय बहुत ही इस पर नहीं होता है कि जब आप कोई एक्सपेक्ट करते हैं और जो एक्सपेक्ट आपको चीजें मिल जाती है और आप
एक पहले से भी भारत की एक हमेशा यह सोच रही है कि जो भी अतिथि देवो भव का नाम बोला जाता है तो उसके प्रति, जब जैसे कि हमारा जो फादर लुई है वो तो हमारे, मतलब एक सेंस से देखा जाए तो हमारे लिए एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, वो आगंतुक है, गेस्ट है उनके लिए, और उनकी हत्या हो जाती है तो इस पर उन्होंने बहुत ही कड़ा कदम उठाया और लगभग लगभग मान के चलिए कि 1520 के आसपास उन्होंने जितना जो था गोलकुंडा के जो छोड़ जो चार पांच भाग में जो बंट गए थे उसमें सारा के साथ इनोवेट किया और सारा सिस्टम को बैलेंस कर दिया। उनका जो भी मिशन था पूरे सिस्टम को इन्होंने 1520 आते आते इन्होंने क्या किया, पूरे सिस्टम को यहाँ पर पूरे से अपने सिस्टम को एक बराबर तौर में ढाल लिया और उसके बाद से इनका सिस्टम जो था इम्पीरियल वो चलना प्रारंभ हो गया। तो मैंने यहां पर पुर्तगाली के बारे में बताया, कैसे जमोरिन के बारे में बताया, तो यहां पर कृष्णदेव राय के बारे में मैंने आपको बता दिया। रूल के बारे में आर्ट, इकोनॉमी, सेकुलर, रिलीजन, राइटर, मैंने तीनों बात बताया। आर्ट में था कि आर्ट के टर्म में अगर मैं कहूं यहां पर तो जितने भी कल्चर और आर्ट को लेकर के बहुत ही अपने समय में, एक बार की मैं बात बताऊं आर्ट को दृष्टिकोण से, तो आर्ट के दृष्टिकोण में एक जो आपा जी थे, आपा जी ने एक सर्चिंग चल रही थी, जैसे आज जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे हम लोग का होता है तो उस समय भी कुछ ऐसे सिस्टम था। उस समय एक कृष्ण गॉड कृष्ण जो थे, गॉड कृष्ण का एक उनको एक मूर्ति मिला और मूर्ति लेकर के आए यहां पर कौन, आपा जी इनके पास, क्या नाम था, कृष्णदेव राय के पास, और बोले कि यहाँ पर मिला हुआ है और क्यों ना हम एक बड़ा कृष्ण का एक मंदिर बनाए। तो उस समय जो कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय बोले कि देखिए अगर एक बड़ा मंदिर अगर हम बनाते हैं तो बड़ा मंदिर का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुज्म के बारे में सोचते हैं, तो क्यों ना हम इसको एक छोटी सी मंदिर बनाए न कि एक बड़ा मंदिर बनाए। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि वो सेकुलर के दृष्टिकोण से सारे को देखना पसंद करते थे। इकोनॉमी के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया है कि मतलब जो पुर्तगाली जो लोग थे वहां से इन्होंने अपना एक टाइप डेवलप किया और वहां से जो टेक्निकल टीम थी, टेक्निकल टीम यहाँ पर बुलाई गई और नहरें खुदवाई गई और वो नहरें जो थी जिससे पानी का जो एक फ्लो था पहले के कंडीशन में बहुत ज्यादा बेहतर देखने को मिला। रिलीजन के टर्म में भी वो सबको प्रॉपर टर्म में रिस्पेक्ट दिया करते थे, चाहे वो जो भी हो अपने पूरे सिस्टम पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी था उनका उसमें सारे धर्मों को अलाउ था। ऐसा नहीं है कि मतलब ये वाला पार्ट हिंदू को ही देना, ये वाला पार्ट मुस्लिम को, नहीं, जो जिस लायक है उसको चीजें देने के लिए दिया जाता था। राइटर के टर्म में कहा जाता है कि इन्होंने तेलुगु में, कन्नड़ में और संस्कृत में, ये तीन भाषाओं में इन्होंने किताबें लिखी। वही किताबें जो मैं बोलता था कि मैं बोला लास्ट समय में कि जब भी वो थीसिस दिया करते, जब भी वो फ्री रहा करते थे तो वो बोला करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, और एक राइटर होता था वो राइटर लिखा करता था और फाइनली वो एक बुक के टर्म में एस्टेब्लिश हो गई यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कृष्णदेव राय के बारे में बातें समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद अचार्य देवा राय, जनरली जब आप देखेंगे बुक वगैरह में तो कृष्णदेव राय को राया, सिर्फ राया बोला जाता था, जो भी राय थे लोग तो राया, क्योंकि राया के टर्म में अगर देखा जाए तो ये यदुवंशी के टर्म में आता है और ये अपने आप को कहीं ना कहीं ये यादव डायनेस्टी के से मानते हैं, तो यहाँ पर राया के टर्म में देखा जाता था। यहाँ पर देखिए तो अचरता देवा राया, अचरता देवा राया एक इनके भाई का लड़का था कृष्णदेव राय का, और इनका लड़का मान के चलिए 1800-1900 माह का था, तो वो अपने समय में जब ये जिंदा थे, देखिए कितना एक्टिव थे अपने समय में, अचारा देवा को इन्होंने क्या कि एक काम किया जाए कि यहाँ पर इम्पीरियल घोषित कर दिया। इम्पीरियल घोषित करने का टर्म ये था कि हो सकता है कि मेरी ये ज्यादा हो गई है और मैं न रहूं, उसके बाद से एक जो भी हमारा जो साम्राज्य चल रहा है वह एक स्थिर
टर्म में ना चला जाए। अभी मैं अपने समय में भी देखता रहूंगा कि ये जो इम्पायर के टर्म में अच्छा काम कर पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर पाएगा तो उसके बारे में अदर ऑप्शन देखा जाएगा। वो क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब एक जो विजयनगर जो एम्पायर हो एक भविष्य के टर्म में कमिंग टाइम में वह याद किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमेशा वो हमेशा समय के प्रति पाबंद थे और इस पर काम करना चाहते थे। इनका एक सन इन लॉ था जिसको राम राय कहते हैं। राम राय ये चाहता था कि इनका बेटा था कौन क्या बोलते हैं राम राय, कृष्णदेव राय का एक दामाद जिसको राम राय बोलते हैं, और कृष्णदेव राय का बेटा और राम राय का साला, ठीक है वो चाहता था राम राय कि कृष्णदेव राय का जो बेटा है वह शासक बने, जबकि कृष्णदेव राय जो थे वो चाहते क्या थे, उन्होंने बना भी दिया था किसको अचरुथा देवा राय को, तो जिससे ये प्रकार का जो राम राय था वो खुश नहीं था इस दृष्टिकोण से। जब खुश नहीं था तो पर्टिकुलरली एक समस्या शुरू होना प्रारंभ हो गया, और इस बीच में क्या हुआ कि कृष्णदेव राय की यहाँ पर डेथ हो गई। जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई तो यह कोशिश करने लगा राम राय कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ताकि ये अचुरता देवा जो राया है इसकी कहानी खत्म हो जाए कमिंग टाइम में। तो जो अचुरता देवा जो था एक अपने निवेदन में गया हुआ था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जैसे जो गोलकुंडा वाला जो समय है और चाहे आपका बीजापुर बीदर ये वाला जो समय जो सिचुएशन चल रहा है वहां पर किसी न किसी से तो हमेशा आपको कंफ्लिक्ट होते रहता था। जैसे वह उधर गया तो राम राय यहाँ पर विजयनगर की सीट गद्दी पर बैठा, और उधर से जब अचारा देवा जब आया विजयनगर तब तक इसको बंदी बना लिया, और बंदी बना करके यहाँ पर आते हैं जिसे बंदी बना करके इसको क्या किया कि बंदी बनाकर इसको रख दिया और अपना को एक थ्री डायनेस्टी डेवलप कर लिया। जो थ्री डायनेस्टी जब यहाँ पर डेवलप कर दिया तो उसके बाद ये हुआ कि लोगों का दबाव होना प्रारंभ हो गया कि मतलब ऐसे नहीं चल सकता है। तो फिर ये क्या किया कुछ समय के लिए राम राय जो अपने साले का जो कृष्णदेव राय का बेटा था उसको गद्दी पर बैठा कर अपना पावर अपने हैंड में लेकर के काम करने लगा। सेम सिचुएशन जब राम राय अपने इन्वेड में गया तब तक जो यहाँ अचुरा देवा राय जो है अपने साले से हेल्प लिया और कारागार से बाहर निकल के गद्दी पर बैठ गया, और फिर यहाँ पर जब ये वापस जब आया राम राय देखा तो फिर से गद्दी पर बैठ गया है। और इनमें जब कॉन्फ्लिक्ट होना ही था कि एक इम्पेरर थे इब्राहिम आदिल शाह, ये विजयनगर पर आक्रमण करने के तलाश में निकले। तो जब इनको एक मैं अगर बताऊं अचारा देवा और राम राय ने सोचा कि अगर हम आपस में उलझेंगे तो समस्या हो जाएगी, और जब समस्या हो जाएगी तो होगा क्या कि हमारा जो भी साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये इब्राहिम आदिल शाह के साथ इन्होंने क्या किया कि संधि कर लिया, और यहाँ पर फिर से इन दोनों के बीच में कुछ सिस्टम थोड़ा सा कुछ समय के लिए स्लो हुआ, और कुछ समय के बाद ये हुआ कि अचारा देवा राय की डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई थी अब क्या किया जाए, अब किसको यहाँ पर गद्दी पर बैठाया जाए। तो एक नया समस्या आया, और उस समय अचारा देवा जब था तो शासक था, तो इसका साला ज्यादा सर्वोपरि था, और उस साले का लड़का जिसका नाम था वेंकटेक, तो वेंकटेका को कुछ पल के लिए यहाँ पर इम्पेरर के टर्म में कुछ अल्प समय के लिए इसको बैठाया गया वेंकटेक को। जो वेंकटेक को जब यहाँ पर बैठाया गया यहाँ पे तो ये भी समय कुछ ज्यादा दिन तक चला नहीं, और नहीं चलने के बाद से फिर से राम राय ने अपना कुछ प्लानिंग किया और कृष्णदेव राय के बेटे को क्या किया गद्दी पर बैठा करके अपना शासन एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। ये तो हो गई मोटा मोटी कहानी। अब उसके बाद
जो एक चार पांच जो थे बहुनी साम्राज्य के जितने भी, उन्होंने प्लान किया, क्योंकि राम राया ये करता था कि अगर जैसे बीजापुर से समस्या हो रहा है तो अहमदनगर से बात करेगा और अपना से मैटर करके सामने वालों को दबा देगा। एक कोशिश हमेशा एक दूसरे के साथ से हमेशा एक दूसरे को लड़ाया करता था, और लड़ाया करने के बाद से हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनाया रहता था, और फाइनली हमेशा अपने आप को सेंटर में रख करके अपने आप को ऊपर बनना चाहता था। जो भी मैसेंजर जो भी आते थे, जो भी दूतवाहक जो आते थे, उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था। एक समय की बात है कि जैसे बीजापुर के सुल्तान ने अपने मैसेंजर के टर्म में भेजा, तो उससे लगभग 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 30 दिन तक वो बैठाए रखा, कोई रिप्लाई नहीं किया राम राय। और लास्ट में बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको आना पड़ा, और जब सुल्तान जब आए तो बहुत अच्छा से राम राय मिला और बोला कि जो एक इम्पेरर की बात होनी चाहिए वो इम्पेरर के साथ होनी चाहिए। और जब दूसरे टर्म में जब वही बीजापुर का जो मामला जो था, जब दूसरी बार वही मैसेंजर जब वहां पर आया, तो इसने ज्यादा बेइज्जती कर दिया राम राय। और वही गुस्सैर बीजापुर का जो था, क्या बोलते हैं, मैसेंजर दूतवाहक, वह प्लान किया जा करके कि हम क्यों ना हम लोग सब एक मिल करके राम राय को घमंड को हम लोग तोड़े, राम राय को घमंड को तोड़े। और सारे जितने भी डायनेस्टी थे सबको यह इतना कर दिया था, ठीक है, एटीट्यूड में रहता था राम राय, लेकिन यह सबके लिए कुछ ना कुछ ज्यादा काम कर लिया था। जो भी डिस्प्यूट हुआ करते थे उसका फैसला करना, अपना से हेल्प करना, अगर कोई ऐसे जगह को फंस गया है उसके जगह को मतलब फ्री कराना, सारा काम ये करता था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें उसमें था। अब बहुत सारा समय ये हुआ कि ये पांच जो किंगडम थे वो सहमत ही नहीं हो रहे थे कि नहीं नहीं राम राय ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ इन्वेट नहीं करूंगा। लेकिन फाइनली उन लोगों में एक एकता डेवलप हुई और शादी विवाह का संबंध एस्टेब्लिश किए, और उन्होंने प्लान बना करके यहां पर इन्वेड किया, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तालिकोटा। और बैटल ऑफ तालिकोटा 25 जनवरी 1565 में विजयनगर और पहमनी साम्राज्य के जो डायनेस्टी है उनके बीच में यह लड़ा गया। लड़ने में यह हुआ कि पहले तो पूरे से इसको सुलझाने का प्रयास नहीं किया। अगर राम राय अगर चाहता कि अगर इसको शांत कर लिया जाए, अगर बात विचारते, तो ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं होती। लेकिन वह अपने एटीट्यूड में था, और फाइनली वार के टर्म में इसको कन्वर्ट होना पड़ा, और एक भयंकर वार हुआ, बैटल ऑफ तालिकोटा। और बैटल ऑफ तालिकोटा वार में ये हुआ कि पूरे राम राय पूरे से अपने समय में थक गया, और वह मरने के समय में आ गया कि हाँ उसको अब मार दिया जाएगा यहाँ पे। तो वहां पर जो बीजापुर के जो सुल्तान थे सलीम, तो उस सलीम बीजापुर सॉरी गोलकुंडा बीजापुर नहीं गोलकुंडा गोलकुंडा के जो शासक थे सलीम को वह अपने बेटे की तरह मानता था। और जब राम राय को इस चीजें समझ में आ गया कि ये लोग हमको मार देंगे, तो वह डायरेक्ट उसके नहीं होता है कि जब वार होता है तो एक तंबू बना के हर जो भी जो एम्पायर होते हैं खड़े रहते हैं, तो उस तंबूक में चला गया गोलकुंडा के जो शासक थे, एक बहुत ही यंग लड़का टाइप का था, ज्यादा एज नहीं था, क्योंकि बहुत दिन अपने समय तक सलीम को रखकर ट्रेंड किया था, और ट्रेंड करने के बाद उसको फिर से गोलकुंडा भेजा था। वह न चाहते हुए भी यह वार में शामिल हुआ था। वो कभी नहीं चाहता था कि वह राम राय के प्रति वह इन्वेट करे, वो कभी ऐसा प्रयास ही नहीं करता था कि ऐसा कुछ सिचुएशन डेवलप हो यहाँ पे। और फाइनली जब यहाँ पर आया राम राय बोला कि एक काम करो सलीम, और लगभग जो आदमी जो होता है फ्रैक्चर हो जाता है, जो लास्ट सिचुएशन हो जाती है, लगभग 60% मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है, उस सिचुएशन में था राम राया। तो राम राय जब आया और बोला कि सलीम एक काम करो, तुम हमको मारो, मैं चाहूंगा कि जो दूसरे लोग मेरे को मारे उससे बढ़िया जिसको मैंने आश्रय दिया है, जिसको मैंने हेल्प किया है, वो हमको यहाँ पर मारे। और वहां पर फाइनली जो सलीम मारना नहीं चाहता है, और जबरदस्ती उसके हाथ से
जो तलवार था, तलवार लेकर के अपने हाथ से, दोनों का हेल्प से वह अपने आप को तलवार से अपनी हत्या कर लेता है। और फाइनली बैटल ऑफ तालिकोटा में होता है कि यहाँ पर विजयनगर अंपायर की अंत होता है और कुछ समय तक विजयनगर अंपायर की हार हुआ है, लोग वहां मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। और फिर यहाँ पर ये जो जितने डायनेस्टी के, चार डायनेस्टी के लोग थे, पूरे विजयनगर में जाते हैं, वहां पर आग लगाई जाती है, वहां का जो जो बड़े बड़े महल बनाए गए थे, जो टेम्पल बनाए गए थे, उसको पूरा आग लगा करके काला काला कर देना, लूट लेना, लोगों की मतलब उसके साथ गलत करना, जितने भी वहां का डेवलपमेंट हुआ पूरे को नस्नाबूद कर देना, इन्होंने बहमनी साम्राज्य ने ये अपना पूरा दायित्व किया और विजयनगर साम्राज्य को नस्नाबूद कर दिया। और इसी में इनके भाई थे, क्या नाम है, रामराया के, त्रिमुल्ला रामाराय, त्रिमुल्ला रामाराय इसी युद्ध के ही समय में क्या किए कि वहां से चुपके से भागे और विजयनगर से बहुत सारा धन वहां से छुपा करके विजयनगर से बहुत सारा धन, सोना चांदी छुपा करके बहुत जाकर छुप गया वहां पे त्रिमुल्ला, यहाँ पर जिसको अरबिदो डायनेस्टी बोलते हैं। अरबिदो डायनेस्टी रामा राय के समय में ही एस्टेब्लिश हो गई थी। तो उसके बाद से यह छुपा रहा, जब यहां से जब जितने भी अपना कसर था बहमनी अंपायर का, जब इन्होंने पूरा जब अपना कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करके जब वहां से हट गए, तब यहाँ पर ये त्रिमुल्ला रामा राया वहां पर आया और फिर से अपनी एक विजयनगर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन वह पहले की स्थिति नहीं थी जब इस समय की जो स्थिति थी, पहले का बिल्कुल यह गोलकुंडा वाले जितने थे सबका इसका अपना अपना कहना सुनना पड़ता था और धीरे धीरे यह साम्राज्य एक जो बहुमुखी प्रतिभा की थी वह एक नस्नाबूत हो गई और फाइनली लगभग मान के चलिए कि 1646 ईस्वी में इस पूरे साम्राज्य का अंत हो गया और राष्ट्र शासक जो इसका था श्री रंगा थ्री था। तो दोस्तों ये था विजयनगर एम्पायर के बारे में एक परिचय। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस पर कि ये आपको वीडियो कैसा लगा और किसी प्रकार का इसमें अगर आपको लगता है कि और सुधार करना चाहिए वीडियो में, और आपको ऐसा भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कोशिश कीजिए डालने का। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोगों के समक्ष वीडियो बनाऊं। निरंतरता के साथ तो नहीं कर सकता क्योंकि टाइम का अभाव रहता है कि मैं आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट होना चाहूं। ऐसी तो मन तो होती है कि मैं एक वीडियो हमेशा लाया करूं आप लोगों के समक्ष, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन जितना भी हो सकेगा, पर्टिकुलरली जो जो भी टॉपिक मेरे को जैसे समय बचता है उस समय के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ना कुछ वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।